आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वायरस अभी गया नहीं है, बल्कि अब तो कोरोना का एक नया स्ट्रेन सामने आ गया है जो खौफ पैदा कर रहा है। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक नर्स की मौत हो गई। लेकिन क्या है इस दावे का सच, हमने की इसकी पड़ताल। साल बदल गया लेकिन हाल नहीं बदला। कोरोना की विदाई के इंतजार में 2020 का पूरा साल गुजर गया। एक एक कर सारे त्योहार, खास मौके और यहां तक कि नए साल का जश्न भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। ऐसे में दुनिया की सारी उम्मीदें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। हालांकि कोरोना के आने के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे मात देने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गए थे। लगभग एक साल से सारे विश्व में तकरीबन 150 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। कई वैक्सीन ने जहां हमारी उम्मीदों को बढ़ाया है, तो कई के ट्रायल आखिरी स्टेज तक आस बंधा कर धराशायी भी हुए हैं। इस बीच पिछले दिनों अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की पहली डोज एक नर्स को दी गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर सकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वही नर्स है जिसे अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन दी गई है। वीडियो में नर्स मीडिया से बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक नर्स असहज महसूस करने लगती है और बस कुछ ही सेकंड में नर्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह नॉर्मल दिख रही ये नर्स वैक्सीन लगवाने के कुछ ही देर बाद यूं अचानक बेहोश हो गई। वीडियो के साथ यूजर ये दावा भी कर रहे हैं कि बेहोश होकर गिरने के बाद इस नर्स की मौत हो गई। तो क्या वाकई कोरोना वैक्सीन लगवाने से नर्स की मौत हो गई? क्या वैक्सीन का साइड इफेक्ट था मौत की वजह? आखिर वैक्सीन लगते ही क्यों बेहोश हो गई नर्स? ये वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ है जब ब्रिटेन से चले कोरोना वायरस के नए और घातक स्ट्रेन ने दुनिया की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों को अब ये डर सता रहा है कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन कहीं 2021 का बंटा धार न कर दे। इसी के चलते कई देशों ने आनन फानन में कोरोना वैक्सीन को अपने नागरिकों के लिए मुहैया करवाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। इस बीच इस वायरल वीडियो ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। हमने सोशल मीडिया पर चल निकले इस वीडियो का वायरल टेस्ट करने का इरादा किया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वास्तव में वीडियो के साथ किया जा रहा ये दावा गलत है। वैक्सीन लगवाने के बाद इस नर्स की मौत नहीं हुई थी। दरअसल इस नर्स का नाम टिफनी डोवर है। अमेरिका के टेनेसी में मौजूद CHI मेमोरियल हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन के दौरान ही नर्स टिफनी को वैक्सीन दी गई थी। टिफनी पहले से ही मस्तिष्क से जुड़ी एक समस्या से जूझ रही हैं, जिसमें कई बार माइनर पेन होने पर भी उनका शरीर ओवर रिएक्ट कर देता है। इसी कारण वे वैक्सीन लगने के बाद बेहोश हो गई थी। हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जिसमें टिफनी ये समझाते हुए दिखाई दे रही हैं। I have a history of having an overactive vagal response, and so with that, if I have pain from anything, hangnail or if I stub my toe, I can just pass out. So what happened is I started getting, I get an aura before of feeling weak, dizzy, disoriented, and it just, you know, hit me all of a sudden. Just felt really diaphoretic and I could feel it coming on, so I felt a little disoriented. But I feel fine now, and the pain in my arm is very minimal actually. But it doesn't take much. तो सुना आपने,
ये नर्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से बेहोश नहीं हुई थी और अब ये पूरी तरह ठीक हैं। इस तरह वीडियो के साथ किया जा रहा दावा आज तक के वायरल टेस्ट में फेल हो गया। ऐसे में नए साल का जो कैलेंडर आपने लगाया है उस पर एक बार फिर से गिनिए उम्मीद भरे दिन, क्योंकि वैक्सीन अभी बाकी है मेरे दोस्त। वायरल टेस्ट टीम आज तक। आपने फिल्म ट्रांसफॉर्मर देखी होगी। इस फिल्म में सड़क पर दौड़ती कार अचानक रोबोट में तब्दील हो जाती है। कार रोबोट बनकर आपस में टकराती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक ऐसी कार जो सड़क पर चलते चलते कुछ इस फिल्म के जैसे अंदाज में ही एक रोबोट बनकर बदल जाती है। ये सीन फिल्मी है, सीन हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर का है। जिसमें सड़क पर दौड़ती कार अचानक ही अपना रूप बदल लेती है। कुछ ही सेकंडों में रूप बदल कर ये कार एक भारी भरकम रोबोट में तब्दील हो जाती है और फिर सड़क पर मच जाता है कोहराम। और ये नजारा तो और भी रोमांचक है जब एक स्टंट सीन के बाद आपस में टकराई चार कारें अपना रूप बदलती हैं और सड़क पर दिखते हैं विशालकाय चार चार रोबोट। Is there a problem? Whoa, little Mexican standoff we got here. Weapons down. And we'll let you escape with your dignity. फिल्म ट्रांसफॉर्मर तो साइंस फैंटेसी थी जिसमें कल्पना के घोड़े दौड़ाए गए थे। लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर। इस वीडियो में रात में एक पीले रंग की कार सड़क पर आती दिखाई दे रही है। अचानक ही कार का आगे का हिस्सा ऊपर उठता है। कार का अगला हिस्सा ऊपर जाता है और बाईं तरफ घूमने लगता है। अचानक ये तेजी के साथ घूमता है, फिर दाहिनी तरफ घूमता है। देखते ही देखते ये कार विशालकाय रोबोट के रूप में तब्दील हो जाती है। ये नजारा लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके देख रहे हैं। ये रोबोट अब चार पहियों पर चलने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ट्विटर यूजर रेक्स चैंपमैन ने शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, गेट आउट। रूप बदलने वाली कार के इस वीडियो को 5.25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा लाइक्स इसे मिल चुके हैं। इस वीडियो पर हजारों लोग कमेंट भी कर रहे हैं। बदलती कारों को लेकर पूरी दुनिया में लोगों में खासी उत्सुकता रहती है, इसीलिए तमाम कंपनियां मोटर शो में इस तरह की कारों का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें देखते ही देखते कारें रूप बदलकर रोबोट बन जाती हैं। ऐसी रोबोट कारें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वो जगह कहां है जहां पारा -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और हालात ये हैं कि हवा में अंडा तोड़ा जाए तो वो जम जाए, गर्म पानी उछाला जाए तो वो बर्फ बन रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं रूस के साइबेरिया की ठंड सोशल मीडिया पर क्यों चर्चा बटोर रही है। यहाँ साल के 270 दिन जमी रहती है बर्फ।
इस वक्त 45 डिग्री पहुंचा तापमान। ऐसी सर्दी कि इंसानों के फेफड़े जम जाएं। हवा में खौलता हुआ गर्म पानी उछालो तो जम जाता है। हवा में अंडा तोड़ो तो जम जाता है। हवा में गर्म गर्म नूडल उछालो तो जम जाता है। ये है साइबेरिया, दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शुमार। इस वक्त साइबेरिया में पारा -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वैसे तो साइबेरिया में साल के 270 दिन बर्फ पड़ती है। धरती का उत्तरी गोलार्ध इन दिनों सब कुछ जमा देने वाली ठंड झेल रहा है, और इसी बीच नूडल्स और अंडे की हवा में जमने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जी हाँ, ये वायरल तस्वीरें विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में गिने जाने वाले साइबेरिया में ली गई हैं। एक ट्विटर यूजर ओलेग ने नूडल्स और अंडे की हवा में जम जाने वाली तस्वीरों को ट्वीट किया है, जो अब जमकर रीट्वीट हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इन तस्वीरों को ओलेग ने साइबेरिया के नोवोसिबिरस्क में लिया है। ये तस्वीरें उस वक्त खींची गईं जब पारा गिरकर -45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हवा में जमे अंडे और हवा में जमे नूडल्स की तस्वीरों को अब तक हजारों लोग लाइक कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में कई बार पारा -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और भारत में लोग 3 डिग्री की ठंड में कांप कांपने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पारा -4 डिग्री चला जाता है तो हम खौफ खाने लगते हैं। कारों पर जमी बर्फ और मकानों पर लगा बर्फ का अंबार हमें डराने लगता है। और रूस के साइबेरिया को तो देखिए, यहाँ का एक शहर नोरिल्स्क तो दुनिया का सबसे ठंडा शहर कहा जाता है। डेली मेल के मुताबिक यहाँ के रहने वालों को साल के आखिरी और पहले 2 महीने यानी दिसंबर और जनवरी में सूरज का दीदार नहीं होता है। साइबेरिया में इस अवधि के दौरान कई लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं, जिसे पोलर नाइट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 365 में से 270 दिन बर्फ जमी रहती है। सामान्य दिनों में भी यहाँ का औसत तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। पूर्वी साइबेरिया के ओयाकन में सबसे निम्न तापमान -71.2 डिग्री का रिकॉर्ड भी दर्ज है। हमने जब हवा में अंडा जमने और हवा में गर्मा गर्म नूडल्स जमने की तस्वीरें देखी तो यूट्यूब पर हमें इस तरह के कई और वीडियो भी मिल गए। साइबेरिया में लोगों ने ये दिखाया कि कैसे केतली में पानी खौल रहा है, उसमें से भाप भी उठ रही है। एक कपल इस गर्म पानी को प्याले में भरता है और जैसे ही बालकनी से खौलते हुए पानी को फेंकता है तो वो सेकंड में ही बर्फ बन जाता है। इसके अलावा हमें कई ऐसे वीडियो भी मिले जिसमें लोग साइबेरिया का मीटर से तापमान नापते हुए नजर आए, जिसमें मीटर -45 डिग्री तक जाता हुआ दिखा। साइबेरिया में इतनी सर्दी पड़ती है कि आम इंसान के तो फेफड़े भी जम जाएं, लेकिन यहाँ के लोगों की काबिलियत यही है कि वो खुद को इन परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। अंटार्कटिका के बाद साइबेरिया को सबसे ठंडी जगह माना जाता है। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। दिसंबर में यहाँ सब कुछ जम जाता है। ठंड के साथ साथ बर्फीले तूफान जनजीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। वायरल टेस्ट टीम आज तक। नया साल नई उम्मीदों के साथ हमारे जीवन में आ चुका है, लेकिन साल 2020 जाते जाते कुछ वीडियोस जो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, एक नजर उन पर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाना गा रही थी।
अचानक उसके बालों में आग लग जाती है। ब्रिटिश मूल की गायिका गीतकार सोफिया एलार ने पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम पर इस डरावनी घटना का एक वीडियो साझा किया। वीडियो में 27 साल की सोफिया एलार अपने बॉयफ्रेंड अल्वारो सोलर के बगल में बैठी है। कमरा क्रिसमस ट्री से सजा हुआ है और वहां दो जली हुई कैंडल्स भी रखी हुई हैं। बॉयफ्रेंड गाना शुरू करते हैं और सोफिया उनका साथ देती हैं। तभी उनके बालों में आग लग जाती है। सोफिया की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें चोट नहीं आई। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 2019 में हम अच्छे थे, 2020 में हमने आग लगाई और गिलास तोड़े, हेलो 2021। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ट्रक पर ऊंचाई तक लकड़ियां लदी हुई हैं। पहाड़ों के बीच बने रास्ते पर ये ट्रक चल रहा है, लेकिन जब ये ट्रक उसी संकरे रास्ते पर खड़े दो ट्रकों की साइड से गुजरता है तो सांसें अटक जाती हैं। रास्ते के नीचे की तरफ झील दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि ये ट्रक अब पलटा जब पलटा। ये ट्रक पूरी तरह टेढ़ा हो जाता है। इसके टायर को देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रक गिरने ही वाला है, लेकिन संभल कर आगे बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग खूब धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2020 को ऐसे पार किया, सांसें थाम कर देखें। लेकिन जब इस वीडियो को गौर से देखो तो ये वीडियो ग्राफिक्स टेक्निक से तैयार किया हुआ लगता है, क्योंकि इसके टायर चलते हुए नहीं बल्कि फिसलते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साइड में दिखाई पड़ रही झील का पानी फर्जी सा लगता है, लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रोबोट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ रोबोट्स धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो हैरानी में पड़ जा रहा है कि आखिर रोबोट्स इतना अच्छा डांस कैसे कर सकते हैं। बता दें कि इस वीडियो को रैक्स चैपमैन ने शेयर किया है और डांस करते हुए ये रोबोट्स बोस्टन डायनामिक्स के हैं। ये वीडियो बोस्टन डायनामिक्स ने न्यू ईयर के मौके पर बनाया है। इसी के साथ वायरल टेस्ट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।